हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा क्वेश्चन है मैच स्टिक्स गेम। आज हम माचिस की तिल्लियों के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं मिला इन्हें। सो टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मैच स्टिक्स। इन दिस गेम अ ग्रुप ऑफ एन मैच स्टिक्स इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। द प्लेयर कैन पिक एनी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फ्रॉम 1 to 4 ड्यूरिंग देयर चांस। द प्लेयर हु टेक्स द लार्जेस्ट मैच स्टिक्स विंस द गेम। If A starts first, how many matchsticks should he pick on his first turn that he is guaranteed to win the game? तो simply बोले तो एक table है, वहाँ पे कुछ matchsticks पड़ी हुई है, हमें नहीं पता कितनी, हमें यही बताया है कि कितनी पड़ी है, 48 पड़ी है, कितनी पड़ी हो सकती है। तो गेम ये है कि दो बंदे खेल रहे हैं और A जो है वो पहले उठाएगा हमेशा matchsticks, B बाद में उठाएगा। तो हमें ऐसा बताना है सिर्फ नंबर ऑफ मैच स्टिक्स देख के कि ए कब कब जीत सकता है और कब कब वो नहीं जीत सकता। और रूल्स क्या है गेम के कि एक बारी में एक बंदा सिर्फ एक से लेके चार तक मैच स्टिक उठा सकता है। जैसे कि अगर एक टेबल पे चार मैच स्टिक पड़ी है तो अगर ए चारों के चारों उठा लेगा तो ए जीत जाएगा, जो लास्ट में मैच स्टिक उठाएगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे चार मैच स्टिक पड़ी है, मैं ए हूँ तो मैं चारों की चारों उठा लूंगी और जीत जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे पांच पड़ी है तो मैं एक उठाऊं, दो उठाऊं, तीन उठाऊं, चार उठाऊं, कितनी भी उठाऊं, बी के लिए कुछ मैच स्टिक्स तो बचेंगी तो वो उठा लेगा और वो जीत जाएगा। जैसे मैंने एक उठा ली तो इसके लिए चार बचगी, तो इसके पास ऑप्शन है कि एक में से चार में तक कितनी भी उठा सकता है, तो वो चार उठा लेगा, वो जीत जाएगा। अब मैंने दो उठा ली, फिर भी तीन पड़ी है तो वो तीन उठा सकता है, तो वो जीत जाएगा। मैंने तीन उठा ली, दो पड़ी है, दो वो उठा सकता है। सिमिलरली तो जब पांच होगी तो मैं नहीं जीत पाऊंगी। इतना मुझे समझ आ गया ऑब्जर्वेशन से, सारा खेल इसमें ऑब्जर्वेशन का है। तो तब माइनस वन रिटर्न करें, जब आप नहीं जीत सकते तो आप माइनस वन रिटर्न करें। एक तो ये केस हो गया पांच वाले में। चलो छः करके देख लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। छः आ गया तो मैंने, जब छः आएगा तब मैं क्या करूँ कि मैं बी को ना जीतने दूँ, मैं जीतूँ, तो क्या कर सकते हैं, मैं एक उठा लेती हूँ तो अब ये मेरी जगह आ गया। अब इस मैंने एक उठा ली तो अब इसके पास पांच आ गई, अब ये फंस गया जो पहले मैं थी कि अब तो पांच है, मैं क्या करूँ, ये तो जीतेगा ही। अब बी उस खेल में आ गया, अब ये फंस गया कि अब ये एक उठाए या दो उठाए, कितनी भी उठाए, मेरे लिए एक ना एक तो उठाने के लिए बचेगी। अब पांच बची है तो इसने ये एक उठा ली तो मैं चार उठा सकती हूँ, इसने दो उठा ली तो मैं तीन उठा सकती हूँ, इसने तीन उठा ली तो मैं दो उठा सकती हूँ, इसने चार उठा ली, फिर मेरे लिए एक बची है, तो जो लास्ट ही उठाएगा वो जीत जाएगा, तो मैं जीत जाऊंगी। ओके, तो सिक्स में मैं जीत रही हूँ, चार होती तो भी मैं जीतती, छः होती तो भी मैं जीतती, लेकिन पांच होती तो मैं हार जाती। वही अगर मैं सात रख लूँ तो सात में भी मैं ये सेम कर सकती हूँ, दो उठा सकती हूँ फिर फाइव बच जाएगी। आठ में मैं तीन उठा सकती हूँ फिर इसके लिए फाइव बच जाएगी, और नौ में भी मैं चार उठा सकती हूँ फिर इसके लिए फाइव बच जाएंगी। दस में मैं क्या करूँ, दस में अगर मैंने चार उठा ली तो कितनी बचेगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बचेगी, फिर ये चला के चलेगा, ये एक उठा लेगा और मैं फिर वही फाइव मैच स्टिक मेरे पास रह जाएगी और मैं फंस जाऊँगी कि अब तो पाँच है, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं हारूंगी, अब तो मैं कितनी भी उठाऊं बी तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि वो चार उठा सकता है या तीन दो एक उठा सकता है। तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि जब पांच मैस्टिक पड़ी हो, जब दस पड़ी हो, जब पंद्रह पड़ी हो, ओके, तो जब फाइव की मल्टीपल पड़े हो तब मैं हार जाऊंगी, तब मैं शुरू करूंगी, ए शुरू करेगा तो ए हार जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल है कि इफ n, if n, अंपायर, if n is, अगर हम n का मॉड लें इसके साथ, फाइव के साथ, तो इक्वल टू जीरो आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी कि हमारी n या तो 5 है या तो 10 है या तो 15 है। कैसे, जैसे मैं 10 का मॉड ले रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि क्या मेरा 5 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 10 को। हाँ, ऑब्वियसली 5 टू 10, तो मॉड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर।
तो अगर 5 का रिमाइंडर किसी भी चीज के साथ 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल है, वो 5 के टेबल में आता है। सो बस वही लिखा है हमने कोडिंग में। और यहाँ पे एल क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारा एन जो है वो लॉन्ग में है तो वो लॉन्ग के साथ डिवाइड होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। इतना तो समझ आ गया, ये तुमने बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि रिटर्न करो, एल्स रिटर्न करो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स शुड ही पिक ऑन हिज फर्स्ट टर्न। अब तुम्हें पता चल गया कि चलो इस केस में ये नहीं जीत पाएगा, लेकिन चार के केस में तो ये जीत सकता है। चार मैचस्टिक पड़ी हो, छः पड़ी हो तो ये जीत सकता है, 48 पड़ी हो तो ये जीत सकता है। तब हमें ये बताओ कि उसमें क्या बोलते हैं, वो कितनी मैचस्टिक उठाए अपने फर्स्ट टाइम में कि वो जीत जाए, वो कितनी मैचस्टिक उठाए अपने फर्स्ट टाइम में कि वो जीत जाए, है ना। नंबर ऑफ मैचस्टिक बताई पड़ेगी हमें कि वो उठाए कि वो जीत जाए। Else return the number of matchstick should he pick on his first turn such that he is guaranteed to win. वो भी सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर मैं n का मॉड लूँ 5 के साथ, और मेरा n कितना था शुरू में, मेरा कितना था 6, तो 6 का मॉड लूँ तो मेरा 1 आ रहा है, तो मैं 1 उठाऊँगी तो उसके लिए 5 बच जाएंगी। वही मैं 4 में से इसका मॉड लूँ तो मैं चारों के चारों उठा लूंगी तो मैं जीत जाऊंगी, उसके लिए कोई नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे इंट इंट एन मॉड 5, फिर से यहाँ पे ये लॉन्ग की वैल्यू तो एल, ऊपर कंपाइल करके देखते हैं। ओके, इट्स वर्किंग। ओके, थैंक यू।